मेले में जैकेट खरीदने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जेब से निकालने लगे पैसे, फिर जो हुआ देखकर सब हैरान। ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा देश को। देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों की तरह करते हैं खरीदारी। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए मोदी जी का कि कैसे वो मेले में खरीदारी करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मेले में जैकेट खरीदने एक दुकान में चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी तरफ से पैसे दिए कि नहीं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ऐसे आम इंसान की तरह रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री को आप लाइक जरूर कर देना। बता दे कि ये बात गुजरात के अहमदाबाद की है, जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुँचे थे। अपने गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने इस शॉपिंग फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया। इसके बाद वो मेले में घूमने निकल पड़े, तभी उनकी नज़र वहाँ मौजूद एक स्टॉल पर पड़ी। ये स्टॉल राज्य खादी ग्रामोद्योग का था और दुकान पर खादी के आकर्षक कपड़ों को देखकर प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को रोक नहीं सके और घूमते घूमते उस दुकान पर पहुंच गए। मोदी जी को अपने दुकान में देखकर दुकानदार की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे में उन्होंने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और फिर एक से बढ़कर एक शानदार कपड़े दिखाने लगा। मोदी जी एक आम इंसान की तरह सभी कपड़ों को अच्छे से देख परख रहे थे और उनके इसी अंदाज ने वहाँ मौजूद सभी का मन मोह लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने वहाँ से एक जैकेट भी खरीदी और फिर डिजिटल तरीके से उसका भुगतान भी किया। मोदी जी ने इसके लिए रुपए कार्ड का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का संदेश देते हैं। इससे पहले मोदी जी का ये अंदाज सिंगापुर में भी देखने को मिला, जब उन्होंने वहाँ आयोजित इंडियन हेरिटेज सेंटर में एक अद्भुत पेंटिंग खरीदी थी। और यहाँ भी मोदी ने SBI रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके भुगतान किया था। जबकि मोदी जी का ये अंदाज पहली बार देखने को नहीं मिला, बल्कि ऐसा कई मौकों पर मोदी जी एक आम इंसान की तरह लोगों के बीच घूमते हुए देखे गए हैं। कुछ समय पहले भी जब मोदी अपने दौरे पर थे, तब उनको एक साधारण दुकान पर बैठकर एक आम इंसान की तरह चाय पीते हुए देखा गया था। बता दे कि जब सोनारपुरा और भदौनी का इलाका क्रॉस करते हुए वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़े, तो थोड़ी देर में ही उनका काफिला इस इलाके में स्थित मशहूर पप्पू चाय की टपरी पर रुक गया और वहाँ पहले से ही मौजूद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनका स्वागत किया। फिर प्रधानमंत्री चाय की दुकान में पहुंचकर किसी आम इंसान की तरह वहां मौजूद लकड़ी की बेंच पर बैठकर चाय पीने लगे। बता दे कि प्रधानमंत्री मोदी लगभग 15 मिनट चाय की दुकान पर थे और उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 3 बार चाय पी। दोस्तों ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके देश के प्रधानमंत्री एक आम इंसान की तरह चाय पी रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और अपनी जड़ें कभी नहीं भूलते। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस व्यवहार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जाते जाते हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।